हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि हम फॉरेस्ट ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो पहले मैंने इससे पहले वीडियो में फ्लिप ऐप आपको दिखाई थी। तो आप अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो वैरायटी के लिए थोड़ी सी बोर्ड हो जाते हैं, तो ऐप्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक मेंस की पढ़ाई फ्लिप ऐप से, प्रीलिम्स की पढ़ाई फॉरेस्ट, या आप एक ऐप से भी कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, मीन्स मुझे अच्छी लगी तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। सो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ट्रीज़। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यानी ये बीच में अगर आप क्लिक करोगे तो ये ट्रीज़ ग्रीन वाली सिलेक्ट कर सकते हो दोनों। मीन्स अभी एक स्लॉट पढ़ रहे हो तो एक लगा लो, फिर दूसरी स्लॉट पढ़ रहे हो तो ये वाली ले लो चॉइस के लिए। लेकिन ये बाकी जो सारे आप ट्रीज़ देख रहे हो ना, अब देखो ये कुछ नई सी अपडेट हो गई है, अभी ये ट्री आपको लेनी है। तो यहाँ पे देखो नीचे अनलॉक शो कर रहा है, तो अनलॉक पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ क्या शो कर रहा है कि आपको ये ख़रीदनी पड़ती है, 2000 पॉइंट 1200 पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ऊपर आपको दिख रहा है 245। तो मेरे 2 दिन की पढ़ाई में ये कॉइन्स कलेक्ट हुई है। जैसे जैसे आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे पॉइंट्स कलेक्ट होगी, वैसे आप चेंज कर लेना, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आप ये 2 ट्री से ही आपको काम चलानी होगी, ठीक है ना। तो ये ड्रो ट्री से आपकी क्या यूज़ होती है ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे फॉरेस्ट, अब आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं, ये अपसेट है। कल की देख लो तो मैंने किसी स्लॉट में ये ट्री ली थी, किसी स्लॉट में वो गोल वाली पत्थर वाली पता नहीं क्या ये ली थी। तो कल देखो 6 hours 42 minutes मैंने 15 स्लॉट पढ़े थे। मीन्स कभी 10 मिनट के लिए पढ़ लिया, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, जैसे आप अपना शेड्यूल वाइज पढ़ो। लास्ट डे के लिए देखो 6 hours 14 minutes, तो लास्ट डे की पढ़ाई ये थी। तो ये क्या होता है ना कि हम फॉरेस्ट ऐप क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो इसके अगले दिन मैंने 6 hours 14 minutes पढ़े, तो कल मेरे अंदर ये थी कि नहीं, मुझे परसों से तो एक ट्री तो ज़्यादा होगा नहीं है, तो 6 hours 42। आज मैं पढ़ूँगी तो मुझे एटलीस्ट 6 hours 50 minutes तक तो पढ़नी है एक ज़्यादा ट्री, है ना। तो इस तरह आप अपने कंपटीशन कर सकते हो। तो ये डे वाइज वीक वाइज देखो, अब तो ये 2 ही दिन हुए मेरे मंडे से, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे मान लो 6 hours दिन में पढ़ रहे हो, 36 hours होनी है, तो होती है कि नहीं आप वो जज कर सकते हो अपना। देन ये मंथ वाइज, ये ईयर वाइज, तो अच्छा चलो मंथ वीक अपने टारगेट्स इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो गोल सर्कल वाली है ना, ये आप इसे राउंड करते हो तो 30 मिनट्स के स्लॉट पढ़नी है, 55 3 hours के पढ़ने हैं, या 2 घंटे, 30 मिनट्स के पढ़ने हैं या 2 घंटे के पढ़ने हैं। तो इसको आप मैक्सिमम 200 लिमिट है, अभी 3 hours भी कर सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये हो गया, तो मैं अभी ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगी तो मेरी एक ट्री मर जाएगी। इन द सेंस मतलब क्या होता है कि मैं बताती हूँ। मान लो आपने 10-40 मिनट्स की एक स्लॉट लगाई, ठीक है, आपने प्लान दबाया तो ये टाइमर ऑन हो जाएगी, लेकिन बीच में आपने अगर बंद कर दी टाइमर को, ठीक है ना, तो क्या होती है जो ट्री जो ग्रो किया ना यहाँ पे, तो वो ट्री ना मर जाती है। मीन्स पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ ब्रांच रह जाती है। तो आपकी जो मैंने थोड़ी देर पहले हरी भरी फॉरेस्ट आपको दिखाई थी ना, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएंगे, नो लीव्स, सिर्फ ब्रांचेस। तो दिखने में ख़राब लगेगा कि मैंने अपने फॉरेस्ट को ही बिगाड़ दिया, है ना। तो वो एक साइकोलॉजिकली वो एक इम्पैक्ट होती है कि हाँ चलो आज ग्रो करते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, है ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सेटिंग टाइमलाइन में आप क्या देख सकते हो। टाइमलाइन में ये टैग्स इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जब आप वहाँ पे प्लांट ऐसे टाइमर ऑन होती है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि क्या कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये फॉरेस्ट ऐप सिर्फ स्टूडेंट यूज़ ना करे, कोई जॉब वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई प्रेजेंटेशन लिखते हैं, कोई स्टडी लिखते हैं, कोई मूवी टाइम भी लिखते हैं जो बाहर जाते हैं टाइम स्लॉट के हिसाब से, है ना। तो मैंने ये जस्ट स्टडी ऐसे आप टाइमलाइन, तो ये ऐसे एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मेनली ये फॉरेस्ट ही है जहाँ पे आप डेली के अपने शेड्यूल्स देख सकते हो, है ना। टैक्स पता नहीं, ये प्रो वर्जन वालों के लिए, मतलब जो पे करते हैं, तो आप फ्री वर्जन ही कर लो, प्रो वर्जन ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स के साथ पढ़ना है तो आप प्रो वर्जन शायद 129 rupees की आती है, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाहते हो तो प्रो वर्जन लेना, बट अकेले पढ़ो, इनोवेटिव बनो, है ना।
अचीवमेंट्स में ये भी प्रो वर्जन तो देखना ही नहीं है, मैं यहाँ पे आपको क्योंकि फ्री वर्जन की बता रही हूँ। रियल फॉरेस्ट या आप कुछ साउथ अफ्रीका में आप ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करते हो तो वहाँ पे कुछ होता है कि आप वहाँ पे आपके नाम पे एक मीन्स रियल प्लांट ट्री एक लगाई जाएगी, तो ये अभी मत करो, पढ़ लो, सक्सेसफुल बन जाओ, फिर उसके बाद एक्साइटमेंट के साथ ये चीज़ करना। न्यूज़ इन द सेंस यहाँ पे करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ नहीं आएगी, यहाँ पे इनके जो ऐप्स के अपडेट है कुछ ये ऐप के रिगार्डिंग ये सारे ही न्यूज़ आपको मिलेगी, तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। अब सेटिंग्स में देखते हैं, यह लॉगिन आप नहीं कर पाओगे, ज़रूरत भी नहीं है, क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है खुद। नोटिफिकेशन ऑन यानी कि इस ऐप की नोटिफिकेशन, देन काउंटडाउन नोटिफिकेशन, अच्छा चलो नोटिफिकेशन ऑन इन द सेंस अभी आधे घंटे की स्लॉट है, ख़त्म हो जाती है तो एक ब्लिंक करेगा टी, ठीक है ना, तो वो ब्लिंक के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, दैट इज़ साउंड इफेक्ट। एंड कीप स्क्रीन ऑन, मतलब जो आप टाइमर ऑन करते हो ना तो वो ऑन मतलब क्या होती है कि डिस्प्ले हमारी आधे घंटे की रहती है तो आधे घंटे बाद वो बंद हो जाती है, तो बंद नहीं होगी, वो ऑन ही रहेगी, ठीक है। अब कोई बोल सकता है मैं इतना हर चीज़ क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ऐप सिर्फ UPSC एस्पिरेंट या जो मैच्योर हम जैसे स्टूडेंट्स ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, क्लास 5-6 के बच्चे भी कर सकते हो, तो मैं एक्सप्लेन इसलिए एक एक चीज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वीक स्टार्ट फॉर्म मंडे, हाँ ऑब्वियसली मंडे, ये ऑन कर देना। काउंटिंग एग्जिटेड टाइम, तो इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ, वो जो फर्स्ट वाले पेज में मैंने दिखाया था वहाँ आप 30 मिनट सेट करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाती है एक पेज ख़त्म करने के लिए, कुछ चैप्टर की कुछ लास्ट बच जाती है ना, तो जो 2 मिनट आपने एक्स्ट्रा पढ़ी है तो वो भी आपकी दिन के आवर्स में वो ऐड हो जाएगी, मतलब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। तो वही काउंटिंग एग्जिटेड टाइम आप ऑन कर सकते हो, ताकि आपकी जो डिफाइन स्लॉटेड टाइम है उससे भी आप ज़्यादा पढ़ो तो ऐड हो जाएगी। डिस्प्ले टाइम इसको ओके कर लो। ऐप अलाउ लिस्ट, अब ये जो है ना इसको ऑन अगर करते हो मींस क्या होती है, आप परमिशन है कि यहाँ पे सेटिंग में ऑन करना है आपको, तो जो आपकी व्हाट्सअप मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, फेसबुक नोटिफिकेशन, वो आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक डू नॉट डिस्टर्ब वाली मोड है, यहाँ पे देख रहे हो ब्लू कलर वाली एक आइकन दिख रही है, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाली है फीचर है फ़ोन की, तो कोई भी अगर कॉल मैसेज करे तो वो मुझे दिखता ही नहीं है, तो मुझे ये अलाउ लिस्ट करने की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके फ़ोन में बाय चांस ये डू नॉट डिस्टर्ब वाली मोड नहीं है तो आप इस ऐप अलाउ लिस्ट को ऑन कर देना, ठीक है। विदर द ट्री वन फॉरेस्ट इज क्लोज, अब इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ऑन क्यों नहीं करा, जैसे कि मान लो आप आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हो, बीच में कुछ इमरजेंसी हो गई, आपको डॉक्टर को कॉल करना है, मम्मी बाहर है, पापा बाहर है, उनको कॉल करना है, तो आप इसको है ना कॉल लॉग में डायरेक्टली आप जाके जैसे ऐप बंद करते हैं ना, डायरेक्टली ऐप आप बंद करके मीन्स ये बीच वाला जो बटन है ना, तो वो बटन आप करके मीन्स कॉल कर सकते हो, तो उसमें आपकी ना ट्री मरेगी नहीं, क्योंकि वो आप इमरजेंसी पर्पोज में कर रहे हो, ठीक है ना। बट इसका मतलब चीटिंग नहीं है कि इंस्टाग्राम भी चला लिया एंड बैकग्राउंड में ऐप तो चलेगी तो स्टडी आर बढ़ रही है, ऐसा मत करो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गई, तो विदर द ट्री वेन फॉरेस्ट, ये मैंने क्लोज रखा है, नहीं तो क्या होगा इमरजेंसी में भी आप किसी को फ़ोन कर रहे हो ना, तो ये आपकी वो पेयर जो आपने आधे घंटे पढ़ के बनाई है, ग्रो करी है, एक मिनट के लिए भी वो मर जाएगी, अगर आप बाई चांस एक सेकेंड के लिए भी किसी को कॉल करते हो तो इमरजेंसी है ना, तो इसको ऑफ ही रखना। रिवर्डेड एप्स नहीं चाहिए। क्रश रिपोर्ट्स ये ऑन कर देना, क्योंकि अगर ये हैंग वैंग होती है कुछ रिपोर्ट्स होती है ऐप की तो अपने आप चले जाएगी। इंग्लिश ये एडवांस सेटिंग में ये देखो, मैंने कहा था ना एक्सटेंड टाइम ये आप कर सकते हो, तो मुझे नहीं करनी, तो क्योंकि मैं एक घंटे पढ़ने के बाद मुझे ब्रेक चाहिए होती है 5 मिनट्स की, तो जिस जो 3 घंटे बैठ सकते हो वो कर लो। डोंट एक्सपेंड फॉरेस्ट लैंड अनलेस इट्स फुल, पता नहीं क्या बोला, नहीं नहीं ज़रूरत, जो ज़रूरत नहीं है वो नहीं देखना, ये सब तो अबाउट ऐप ही है, ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पे फिर आप बता सकते हो यहाँ क्या है, डी फोकस मोड, ये अगर करते हो तो आप कुछ भी वो उस स्लॉट में आप कुछ नहीं कर सकते हो फ़ोन पे, ठीक है, ये ऑन करते हो तो कुछ नहीं, इन द सेंस वो 20 मिनट्स की स्लॉट वो ख़त्म होने पे ही कर सकते हो, तो इतना खुद को क्यों दुख देना, डिसिप्लिन बन जाते हैं इससे, अच्छा है ना, तो ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रो वर्जन आप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से फ्री वर्जन इज़ मोर देन इनफ,
तो मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक मैंने फोकस ऐप की डाउट सारी क्लियर कर दी है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कुछ ऐप्स मतलब स्टडी रिलेटेड वन नोट या कोई सा भी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।